दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता शशि कपूर के बेटे करण कपूर की। करण अपने ही पिता की तरह दिखने में बेहद खूबसूरत और लंबे कदकाठी के अभिनेता थे, लेकिन वो अपने पिता की तरह फिल्मी दुनिया और लोगों के बीच अपने अभिनय की छाप नहीं छोड़ सके और अपने पिता के लाख समझाने के बावजूद बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद हमेशा के लिए एक्टिंग करने से मना कर दिए। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, करियर और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू करवाएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम करण के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 17 जनवरी 1962 को मुंबई में हुआ था। शक्ल से तो वो बिल्कुल अपने पिता पर गए थे, लेकिन दिखने में यानी कि रंग रूप से वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसे थे। हमने आपको पहले ही बताया कि उनके पिता शशि कपूर जाने माने अभिनेता हैं। उनकी माता का नाम जेनिफर कैंडल है, जो जानी मानी ब्रिटिश थिएटर एक्टर थीं। करण की मां की मृत्यु साल 1984 में कैंसर की वजह से हो गई थी। दरअसल जेनिफर को साल 1982 में पता चला कि उन्हें टर्मिनल कोलन कैंसर हुआ है और वो इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। करण ने अपनी स्कूलिंग पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से पूरी की। उनको फोटोग्राफी का बेहद शौक था। हैंडसम होने की वजह से उन्होंने स्टार्टिंग में अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से किया। उन्होंने बतौर मॉडल बॉम्बे डाइंग समेत अन्य एड फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। उनका पूरा खानदान फिल्मी जगत में था, इसलिए उनको भी फिल्मी दुनिया में आना पड़ा, लेकिन वो दिखने में इंडियन से अधिक अंग्रेज नजर आते थे और उनकी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फिल्मी दुनिया में कदम रखे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म जुनून से किया। उस फिल्म में उनके माता पिता और भाई बहन भी थे। उस फिल्म को श्याम बेनेगल द्वारा डायरेक्ट किया गया था। वो एक बहुचर्चित फिल्म थी जो दर्शकों द्वारा काफी पसंद की गई थी और उनकी वो पहली फिल्म थी। लोगों ने उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया था। उसके बाद वो अपने पिता शशि कपूर की प्रोडक्शन फिल्म और अपनी दूसरी फिल्म 36 चौरंगी लेन में नजर आए, जो कि साल 1981 में आई थी। उसमें उनका रोल ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। उसके बाद वो अपनी तीसरी फिल्म सल्तनत में नजर आए, जो साल 1986 में आई थी। उन्होंने उसमें धर्मेंद्र, शनि देओल और जूही चावला जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने मुख्यधारा की फिल्मों में एंट्री कर ली थी, लेकिन उनको बतौर अभिनेता लीड रोल कम ही मिलते थे। उसके बाद उन्होंने साल 1987 में फिल्म लोहा में काम किया। उस फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र जैसे दमदार अभिनेता थे। उसके बाद उन्होंने साल 1988 में आई फिल्म अवसर में बतौर अभिनेता लीड रोल में अभिनय किया, लेकिन उतनी अच्छी हिंदी न बोल पाने की वजह से वो सहज महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने कई टीवी सीरीज में भी काम किया। साल 1984 में उन्होंने द ज्वेल इन द क्राउन में उन्होंने कालीन लिंडसे का कैरेक्टर निभाया था, जो कि एक ब्रिटिश टीवी शो था। साल 1990 में उन्होंने एक और ब्रिटिश टीवी सीरीज साउथ ऑफ द बॉर्डर में मैक्स विल्डिंग का किरदार निभाया है। ब्रिटिश के एक मूवी टूटिंग लाइंस में उन्होंने साल 1993 में काम किया था। उन्होंने साल 1994 में बीबीसी की एशियाई पत्रिका नेटवर्क ईस्ट के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति दी थी। असल करण एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना कम कर दिए थे। उनको लगता था कि उन्हें पूरी तरह से इंडियन न दिखने और अच्छी तरह से हिंदी न बोलने की वजह से उनको फिल्मों में ज्यादातर साइड रोल और विलेन का रोल ही मिलेगा। उन्होंने कई बार तो अपने बालों को काला करके फिल्मों में काम करके ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता शशि कपूर से अपने एक्टिंग करियर को छोड़ने की बात की, लेकिन शशि जी ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि एक्टिंग को मत छोड़ो, इसमें बहुत पैसा, नाम और शोहरत है, लेकिन करण नहीं माने और एक्टिंग को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अपने फोटोग्राफी के पैशन को फॉलो किया और एक फोटोग्राफर बन गए और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ चेल्सी, लंदन में रहने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण एक लंबे अंतराल के बाद करीब 25 सालों के बाद साल 2016 में लंदन से इंडिया अपने होम टाउन मुंबई में लौटे। वो जनता के बीच वापस लौट आए, साथ ही साथ वो अपनी फोटोग्राफी प्रदर्शनियों टाइम एंड टाइज के लिए एक सीरीज के साथ आए और उनकी टाइम एंड टाइज फोटोग्राफी प्रदर्शनी साल 2016 के नवंबर महीने में उनके होम टाउन मुंबई में ही शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने 2017 में करीब 5 शहरों में उसे शुरू किया, बेंगलोर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और जयपुर। बता दें कि करण ने एंग्लो इंडियन में बहुत रिसर्च किया है।
1980 के दशक में इन समुदायों से मिलने के लिए उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेवल किया और तस्वीरें भी ली। उनके द्वारा लिखे आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स, बीबीसी और इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इंडिया में और भी फोटोग्राफी परियोजनाओं को करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो भी ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा है। भले ही मेरा परिवार फिल्मों में रहा है, लेकिन मुझे एक्टिंग से ज्यादा फोटोग्राफी में रुचि रही है, इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दिया। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम लोरना कपूर है। लोरना एक प्रसिद्ध मॉडल है। करण के दो बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम जैक कपूर है और उनकी बेटी का नाम आलिया कपूर है। करण के दो भाई बहन हैं। उनके बड़े भाई का नाम कुणाल कपूर है। कुणाल भी एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने निर्देशन का भी काम किया है। अब वो एक एड कंपनी चलाते हैं जिसमें वो एड फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं। कुणाल की पत्नी का नाम शीना सिप्पी है, जो एक पूर्व मॉडल, लेकिन अभी दोनों तलाकशुदा हैं। करण की एक छोटी बहन है जिनका नाम संजना कपूर है। संजना भी एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकी हैं। फिल्म जुनून में उन्होंने भी काम किया था, लेकिन उनको फिल्मों में उतनी सफलता नहीं मिल पाई। संजना कपूर जुनून थिएटर की संस्थापक हैं। करण के चाचा राज कपूर और शम्मी कपूर हैं, जो 70 के दशक के जाने माने एक्टर थे। उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी का नाम पृथ्वीराज कपूर है, वो भी अपने समय के एक एक्टर थे। साल 2009 में उन्होंने फोटोग्राफी में उनकी तस्वीर ओल्ड कपल ने लाइफस्टाइल श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार जीता था। दोस्तों, करण एक्टिंग से अपने दर्शकों को कुछ ही फिल्मों में ही एंटरटेन कर पाए। अपने पिता की तरह फिल्मों में अपने एक्टिंग की धाक नहीं जमा पाए, लेकिन उन्होंने अपने पैशन फोटोग्राफी को चुना और उसमें सफल रहे। बतौर अभिनेता, मॉडल और बतौर फोटोग्राफ करण कपूर अब 60 साल के हो गए हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप उनकी एक्टिंग और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।